बड़कागांव विधानसभा चुनाव दिलचस्प मोड़ पर आ पहुंचा है। एनडीए से रोशनलाल चौधरी चुनावी मैदान में हैं। रोशनलाल चौधरी 2014 और 2019 चुनाव में आजसू से बड़कागांव के लिए चुनाव लड़ चुके हैं। रोशनलाल चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है और तीसरी बार बड़कागांव से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी को लेकर बीजेपी के जिलाध्यक्ष विवेकानंद सिंह का कहना है कि रोशनलाल चौधरी भाजपा से चुनाव मैदान में हैं, उन्हें कार्यकर्ताओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। वहीं वर्तमान सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि राजनीतिक पार्टी सीट जीतने को लेकर रणनीति बनाती है, रणनीति के तहत उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक यादव का भी कहना है कि इस बार वह अवश्य चुनाव जीतने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। देखिए, पार्टी अपना निर्णय करती है और राजनीतिक जल जो है जीतने के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज को तय करता है। पार्टी ने तय किया है, हम लोग को उम्मीदवार मिला है, उसको जिताने के लिए लगेंगे। बहुत सीधा सीधा है। बड़कागांव भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत सीट रहा है और एनडीए घटक जो हम लोगों का आजसू के साथ गठबंधन है, लोजपा के साथ गठबंधन है, तो रोशनलाल चौधरी वहां से पूर्व में लड़ते आए हैं, उनका एक जनाधार है और भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होकर के लड़ रहे हैं। इस बार हम लोग बड़कागांव का जो सीट है उसको भारी अंतर से हम लोग जीतने जा रहे हैं। देखिए, बड़कागांव विधानसभा में हमारा जो कैंडिडेट आया है रोशनलाल चौधरी जी, वह निश्चित तौर पर मतलब कि हम लोग उस वक्त चुनाव हम लोग जीतेंगे। पिछले बार भी दो बार वो चुनाव लड़ा है, भारी भारी वोट ला करके हारने का काम किया है, लेकिन इस बार मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तरह उनको टिकट मिला है और बड़कागांव का जीत निश्चित तौर पर हम लोग बड़कागांव जीतेंगे, अम्मा को हरावेंगे। भाजपा बड़कागांव तो था पहले, लेकिन अभी जो है से भाजपा का थोड़ा सा मनोबल थोड़ा सा कुछ कम हुआ था, लेकिन कहना अभी मुश्किल है कि क्या हो सकता है, अभी वो कहना मुश्किल है। ये दोनों ही रहेगा, तीसरा चौथा कोई नहीं, कांग्रेस और बीजेपी यही दोनों को जैसे मैंने यहाँ दिलचस्पी बने समझिए कि मुकाबला रहेगा। बड़कागांव के जनता अधिकतर यहाँ स्थानीय देखता, लोकल देखता, बाहर का नहीं देखता। बिहार के शीर्ष नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी आईटीओ मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।